हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी संक्रांति। आज मैं तिल चॉकलेट की बर्फ़ी लेकर आई हूँ, जो खाने में एकदम मस्त लगती है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो चलो शुरू करते हैं, और चलते चलते मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एक पैन ले और उसमें 1 कप दूध पाउडर और 1/4 कप कोको पाउडर डालें। आप इसकी जगह ड्रिंकिंग चॉकलेट भी डाल सकते हैं। और इसे मिक्स करने के लिए इसमें 1 कप दूध डालें जो रूम टेम्परेचर का, और ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसे गैस पर रखकर लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे इसको पकाते हैं ताकि ये गाढ़ा हो जाए। इसी के साथ मैंने इसमें 1/4 कप शक्कर डाली है, और ये शक्कर भी इसके साथ आप इसे कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, इससे इसकी शाइनिंग भी आएगी और साथ ही में इसमें नरम रहेगा। चॉकलेट अपन को कड़क नहीं बनाना है। दूसरी तरफ एक पैन ले, उसमें 1/2 कप तिल डालें और उसे धीमी धीमी आंच पर सेकें, जब तक उसमें चटकने की आवाज़ नहीं आए, जब तक आप इसे बंद नहीं करें, और इसे कंटिन्यू चलाते रहें, बिल्कुल भी छोड़े नहीं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें, ये अच्छे से सीख गए हैं। और फिर इसमें 10 से 12 मैंने काजू लिए हैं, उसे भी डाल दें, और उसे सिर्फ इसके साथ गर्म होने दें, क्योंकि यदि अपन काजू को फ्रिज में रखते हैं तो थोड़े ठंडे हो जाते हैं, तो इसमें तिल के साथ में थोड़े से गर्म हो जाएंगे। अब इसे पैन से निकाल लें, क्योंकि पैन की गर्माहट से भी कभी कभी तिल्ली जलने का डर रहता है। अब फिर 1/2 कप मूँगफली के दाने लें और इसे भी धीमी धीमी आँच पर रोस्ट करें, और देखिए इसके छिलके उतार लें और इसे क्रश कर लें। इसको एकदम अपन को महीन नहीं पीसना है, एकदम क्रश करना है, इसलिए इसे पॉलीथिन में डालकर इसे बैलेंस से करते हैं तो ये बहुत अच्छे से क्रश हो जाता है। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर सिकाएं तो ये कितने ब्राउन कलर की दिख रहे हैं, यानी ये बहुत ही बढ़िया इसकी सिकाई हुई है। दूसरी तरफ तिल और काजू को रुक रुक कर पीसें, एकदम इसे तेज़ी से ना पीसें, नहीं तो इसमें तेल उतर आएगा। और इधर चॉकलेट को भी कंटिन्यू चलाते रहे, देखिए गाढ़ा होते जा रहा है। तो अब इसमें मैं जो अपन ने दाने क्रश किए थे उसका 1/2 दाने में इसमें डाल रही हूँ। इससे खाने में इसका जब मुंह में आते हैं तो इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट और सुंदर सुंदर लगता है। फिर एक पैन ले, उसमें 2 से 3 चम्मच घी डालें और इसे पिघलने दें, और अब इसमें गुड़ डालें। गुड़ मैं 1/2 कप से थोड़ा सा कम ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर शुगर भी यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे शुगर पाउडर ले रही हूँ, खड़ी शक्कर नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि गुड़ के पिघलते ने तक जब तक यदि शक्कर नहीं पिघलती है तो फिर गुड़ इधर कड़क हो जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ, गुड़ में पीसी हुई शक्कर डालें तो वो फटाफट से मिक्स हो जाती है। अब यहाँ पर बबल्स भी आ गए हैं, तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और जो तिल वाला पाउडर है और दाने इसे डालकर फटाफट से इसे मिलाएं। अपन को यहाँ पर कड़क नहीं करना है, यदि ये कड़क हो जाएगी और चॉकलेट नरम तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर टीन में इको बेस पेपर लगा के रखा है, तो इसे मैंने पहले से तैयार कर लिया। अब इसमें फटाफट से इसे डालें और सेट कर लें, और इसे टीन में चारों ओर फैलाते हुए सेट करें, और देखिए इसको फैलाते हुए ही ये सेट हो गई है। तो इसे अपन को ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो ये बहुत कड़क हो जाएगी। और फटाफट से अब इसमें चॉकलेट डालें, और ये इसके अपन को बहुत मोटी लेयर नहीं करना है, एकदम पतली लेयर करना है। अब इसमें चॉकलेट भी डाल दें और इसे भी सेट कर लें, और देखिए ये थोड़ा सा अभी नरम लग रहा है, पर धीरे धीरे ये ड्राई होते जाएगा, और ये बहुत ही बढ़िया इसकी तिल चॉकलेट की बर्फ़ी बनती है, और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। और ये धीरे धीरे ड्राई होती जाएगी, और तिल गुड़ घ्या और गोड़ गोड़ बोला। अगेन हैप्पी संक्रांति, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।